राजमाता विजयराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर बीजेपी महिला सशक्तिकरण दौड़ का आयोजन कर रही है। दौड़ राजस्थान से 12 अक्टूबर को शुरू हुई थी और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में समाप्त होगी। राजस्थान से शुरू हुई दौड़ राजस्थान यूपी बॉर्डर से यहां पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद रहीं। मेरी सदस्यता लेकर आए हैं कि हम लोग फिर से एक यहाँ पर एकत्रित होंगे चुनाव के बाद और फिर से अपने दोबारा बनी हुई मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उत्तर प्रदेश का संदेश यही लेकर आए कि प्रचंड बहुमत है, पिछले बार के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर हमारे राजस्थान की सरकार बने और मोदी जी और आदरणीय वसुंधरा जी फिर से मुख्यमंत्री के रूप में आप और प्रधानमंत्री के रूप में बने, यही हमारे उत्तर प्रदेश का संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपके स्वागत के लिए यहाँ पर भेजा है। अभी आगे एक आधा किलोमीटर पर हमारा उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके फिर आप यहाँ पर भिजाई करेगा। महिला सशक्तिकरण दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 125 एथलीट्स भाग ले रही हैं। इनका हौसला अफजाई करने के लिए मिसेज इंडिया अर्थ 2018 और मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2017 जैसी हस्तियां भी मौजूद रहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।